आवर टूडेज टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए, अगर आपको कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी और उसके बीच में एक पॉइंट दे रखा है पी, तो आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि जो पी पॉइंट है वो ए बी को किन किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर अगर रेशियो दे रखा होता है तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो आपको उसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए, तो आज हम उसी फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब जो ये पी पॉइंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, कौन कौन से, ए पी एंड पी बी। ये अभी कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन, लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन करता है, मीन्स बाहर की तरफ डिवाइड करता है, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा क्या है, इंटरनल डिवीजन, अगर जो पी पॉइंट हो वो ए बी लाइन के अंदर हो तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करिए ए बी, इसके मिडिल में एक पॉइंट ले लीजिए पी। अब ये आप नोटिस करिए और इसको लिखिए कि जो P है वो कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो हमने मान लिया कि M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो AB आपकी जो लाइन थी अब वो मतलब डिवाइड हो गई किस रेशियो में, M रेशियो N में। अब A के आप कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए X1 Y1, इसी टाइप से अब आप B के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे X2, Y2। अब आपके पास जब दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, और रेशियो कितना दे रखा है, M रेशियो N। तो P के कोऑर्डिनेट्स अभी पता तो है नहीं, तो वो भी आप एज्यूम कर लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स X, Y। अब आपको क्या करना है, XY का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सीधे सीधे बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। देखिए, आपके पास लाइन कितनी है ए बी, रेशियो कितना है एम रेशियो एन, एक्स वाई के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आप अलग अलग कॉमा लगा के लिख लीजिए, मीन्स पहले हम एक्स का लिखेंगे फिर हम वाई का लिखेंगे। तो एक्स का कितना हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स, आप रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना हो गया M1, ठीक है, M1 मतलब M। अब उसके साथ क्या लेंगे आप X2, तो MX2 प्लस अब आप क्या लेंगे N के साथ क्या लेंगे X1, मतलब MX2 प्लस NX1 अपॉन रेशियो को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे M प्लस N, ये आपका हो गया X का। इसी टाइप से जब आप Y का लिखेंगे तो Y का आपके लिए क्या बन जाएगा, तो देखिए Y के लिए हम क्या लिखेंगे, आपके पास क्या क्या है, रेशियो M और N है, अब आपको कुल मिला के Y का लिखना है। तो Y के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, MY2 प्लस NY1, MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N, ये आपके Y के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मीन्स Y की वैल्यू आ जाएगी। तो X और Y जो पूरा कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसको आप लर्न कर लीजिए, कैसे लर्न करना है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करिए और ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स होंगी जिसमें M और N नहीं मानेगा, M1 M2 मान के करेगा, ऑलराइट। तो इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहाँ पे करा जाता है, जब आपको मिडिल वाले पॉइंट या फिर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ऐसे पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हो तब आप इस फॉर्मूले का इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑलराइट, थैंक यू।